हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं बता दूँ, सुबह का बज रहा है 8:30 और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ कि कर्नाटका में लॉकडाउन हो चुका है और हमारा जो क्लास वगैरह है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो उसकी वजह से ये जो बंदा है ये अब जा रहा है अपने घर की तरफ। हाँ, अपने घर की तरफ जा रहा है और इसका बैग देख सकते हैं, ये बैग भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ इसे छोड़ने के लिए स्टेशन। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं केंगेरी स्टेशन। ये है केंगेरी जो कि बेंगलोर के अंदर ही आता है। एक दो स्टेशन ऐसा है जहाँ से बहुत गाड़ी वगैरह पकड़ने के लिए हम लोगों को आसान होता है। तो इसे जाना है बनारस। तो बनारस से जो हम लोगों ने चेक किया था तो वो यहाँ से शो कर रहा था कि केंगेरी से मिलेगा। स्टेशन तो उतना खास नहीं है बट यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ चलती है तो इसके लिए यहाँ पर लोगों को आना पड़ता है। और सैफ, कैसा लग रहा है यार? एकदम अच्छा ही लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब तू तो बहुत खुश होगा ना काहे कि तू चाह रहा था कि ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन हो जाए। ओ भाई, चलो यार, जा रहे हो घर, कोई बात नहीं। अब देखो, हम लोग को भी कुछ रास्ता मिलेगा तो हम भी सोचेंगे कहीं जाने का, लेकिन फिलहाल तो अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ कुछ। इसकी गाड़ी आ गई तो अब हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं। आप हालत देख सकते हो ट्रेन की, एकदम पूरा खाली, क्लियर है। कितना नंबर है सीट? ये साइड अपर, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो अभी तो खाली है फिलहाल, तो ठीक है भाई, तेरे को छोड़ने आया था। काफी अच्छा रहा तेरा सफर और हैप्पी जर्नी यार। जाओ भाई, यार बड़ा अफसोस हो रहा है यार। गाइस, तो बहुत दिन हो गया था बाल कटाए हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आज बाल वगैरह भी कटिंग करवा लूँ। और मेरा भी कुछ प्लान है लेकिन अभी मैं बताऊँगा नहीं कि क्या प्लान है और कहीं मैं जा रहा हूँ। और भैया, क्या चल रहा है? चाय चल रहा है। ओ माय गॉड। और भाई ठीक है? आपकी बाल बहुत खूबसूरत है लेकिन लंबी लंबी, माशाल्लाह। तो अभी जो है, अभी थोड़ा सा बाल कट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा स्टेप कटिंग में कटवा रहा हूँ। और अभी जो है टी ब्रेक हुआ है तो अभी फ़िलहाल सब लोग चाय पी रहे हैं, तो मुझे कुछ मौका मिला है तो इसी बहाने में थोड़ा वीडियो भी बना ले रहा हूँ, देख लो। गाइस, तो फाइनली मेरा बाल तैयार हो चुका है और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा कटा है। और इस सैलून का मैं आपको नाम भी बता दूंगा, ठीक है, कि ये कहाँ पे है। हाँ, तो चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर और उससे पहले थोड़ा नहा वगैरह लेते हैं। गाइस, तो रूम पे आने के बाद पता चला यहाँ एक और बंदे की बैग पैकिंग शैकिंग हो चुकी है। तो फाइनली ये भी जा रहा है दिल्ली। और काशिफ जा रहे हैं यार, कैसा लग रहा है? याद आएगी तुम्हारी? ओ भाई, हम लोग बस रूम में रहेंगे, अब देखो क्या होता है। ये भी जा रहा है, बताना तू भी जा रहा है। अरे मैं अभी बताऊंगा नहीं, ये सीक्रेट है, ठीक है, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, और देखो बालू की बनवा के एकदम रेडी, अब नहाना है, ठीक है। चलो तो अब नहा लिया जाए और इसको अब थोड़ी देर में विदा करना है। फाइनली हमारे रूम का दूसरा बंदा ये भी अब जा रहा है और अब घर से निकल गया है। तो ऐसा है कि मैं उस बंदे को तो स्टेशन तक चला गया था छोड़ने, लेकिन इसे नहीं जा सकता यार, बहुत थक गया हूँ यार, सुबह रात। हाँ, क्यों नहीं जा सकते? अबे थक गया हूँ। 30 रुपये बोले इस बात का, 30 रुपये। और इन लोगों का ओला भी आ चुका है। ये लोग भाई फैसिलिटी वाले लोग, सब देखो यार क्या बात है। बाय, खुश रहो। और ये बंदे को तो आप पहचान ही रहे हो जिसे मैं स्टेशन लाने के लिए गया था, लेकिन छोड़ने के लिए दोबारा नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। चले जा, चलो हो गया, बाय। गाइस, तो उन दोनों के जाने के बाद आज सेकेंड डे है और फैजान भी आज जा रहा है ना फैजान? तो मेरे ख्याल से तुम तो खुश हो गए। क्या बात है। तो अभी कुछ लोग यहाँ से भी जाएगा, वो ऊपर देख रहे हो, वो ऊपर से भी कुछ लोग निकल रहा है, तो उन्हीं लोग के साथ फैजान निकलेगा। तो अभी ओला आने वाला है थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी इतनी तादाद है बाहर जाने के लिए। वालेकुम सलाम। और कैसे हो नबील? माशाल्लाह। हम लोग जल्दी से जा रहे हैं एटीएम क्योंकि अभी कैश का जरूरत पड़ गया है फैजान को। बैंगलोर में तो कैशलेस है बहुत लोग, लेकिन बात ये है कि ट्रेन वगैरह पे चढ़ोगे तो कैश लेके तो चलना ही पड़ता है। सफर में हमेशा कैश के हिसाब। हाँ, उसके हिसाब से लेके चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए किस टाइम। और मेडिकेशन का भी बहुत ज़रूरी है, लोग को मेडिसिन भी कुछ कुछ लेके चलना चाहिए, तो इसलिए अभी हम लोग मेडिकल भी जाएंगे। गाइस, तो आप देख सकते हैं सब लोग बैठ गए हैं और फैजान भी अंदर बैठ चुका है। तो कैसा रहेगा सफर तुम लोग का? बहुत बहुत इंशाल्लाह, बहुत अच्छे में सफर जाएगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से रहना और सब ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया है। बाय, खुदा हाफिज़, टाटा। आज जो रूम है वो काफ़ी सन्नाटा लग रहा है, देख सकते हैं सिर्फ 2 बेडशीट लगा हुआ है, बाकी सब जो लगा हुआ था वो सबको हटा दिया गया है क्योंकि
अभी तक में 3 बंदे इस घर से जा चुके हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ 2 पैरोट भी है, इतना खूबसूरत लग रहा है वो, क्या बात है, क्या जोड़ी है इन दोनों की। और इनका जो घर है काफ़ी बड़ा है, और ये जो है ये हमारे पड़ोसी में रहते हैं उन्हीं का है। देखो मिटू, हेलो, कुछ बोलो यार। 10,000 है वो। हाँ गाइस, तो सैफ और काशिफ अतहर और फैज़ान ये तीनों जा चुका है, और मैं भी कहीं और आ चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। और यहाँ का भी ब्लॉग मैं शूट करूँगा, और मैं जो यहाँ आ रहा था उसका ब्लॉग फ़िलहाल नहीं बन पाया। तो चलो ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखो क्योंकि क्लास जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है, तो अब लगता है कल एग्ज़ाम भी देना है ऑनलाइन टेस्ट। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।